नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं सिंह राशि की, क्योंकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। तो नवंबर का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, कितना लाभदायी रहेगा और ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना चाहिए जिससे हमारे मनोरथों की पूर्ति हो सके, और ऐसा कौन सा काम है जिससे हमें बचना चाहिए, जिससे हम सावधानी बरत सकें, तो वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंह राशि की। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं, आपके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव यानी आपका सम्मान, यानी आपकी आत्मा, आपके ग्रहों के राजा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ी जो बात, खास बात है, इस समय जो आपके जो सूर्यदेव हैं, इस समय आपके नीच के हुए हैं। क्यों हैं? क्योंकि 16 अक्टूबर 2024 से वो अपने नीच राशि तुला राशि में हैं, और अभी रहेंगे। कब तक रहेंगे? अभी 16 नवंबर 2024 तक वो अपने यहीं पर रहेंगे। 16 नवंबर 2024 को वो अपना वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कितने बजे प्रवेश करेंगे? सुबह 7:41 पर वे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए अच्छा होने की उम्मीद शुरू होगी। एक चीज़, दूसरी चीज बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल भी अभी नीच के चल रहे हैं, तो जब मंगल भी आपके सेनापति भी और आपके राजा भी, जब दोनों ही अगर नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, अगर सेनापति और राजा दोनों ही नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मनोबल होता है, जो हमारा आत्मविश्वास होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। और आप ये अभी तक गौर भी कर रहे होंगे, अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे कि इस समय जो आपका पीरियड चल रहा था, कहीं ना कहीं जो आपका मनोबल था, जो आपका आत्मविश्वास था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आपको महसूस हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा जो आपका दिल है वो कहीं ना कहीं डूबा महसूस हो रहा होगा। ये आपको मतलब समझ में आ भी रहा हो, एक चीज। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं मंगल क्या है, मंगल आपका सेनापति है। मंगल यानी उत्साह, मंगल यानी आपका पावर, मंगल यानी आपका शौर्य। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर सेनापति कहीं ना कहीं नीच के चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये हमने जो आपको बताया, तो अब जो आपके जीवन में जो थोड़ा सा बदलाव अब आएगा, जो हमें लगेगा कि हाँ भाई, क्यों हमारे जो सूर्यदेव है, हमारे स्वामी भी हैं, जो हमारी राशि है, हमारी राशि के जो स्वामी हैं, वो स्वामी कौन है? सूर्यदेव। और सूर्यदेव अगर नीच के हैं, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अभी जो हमारा मनोबल है वो कम था, तो अब हमारा जो मनोबल उठना शुरू होगा 16 नवंबर से, हमें पूर्ण रूप से इसमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे जीवन में इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके धन के कारक की। जो धन के कारक कौन होते हैं द्वितीय भाव की अगर बात करते हैं, तो धन के कारक होते हैं आपके गुरु बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, गुरु क्या है? गुरु से ही आप संतान को देखते हैं और गुरु से ही आप धन को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन विराजमान है? इस समय विराजमान आपके केतु हैं, और गुरु आपके कहाँ विराजमान है? आपके कैरियर भाव में विराजमान है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यानी कैरियर भाव यानी हमारे यश का, प्रसिद्धि का, रोजगार का और हमारे कर्म का, जहाँ पर हमारे गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कुंडली के हिसाब से हमें समझ में आता है, गुरु हमें पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं, गुरु क्या है? आपके सूर्य के परम मित्र हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इन दोनों को हम परस्पर देखते हैं तो ये इनके मित्र है, तो कहीं ना कहीं गुरु हमें पूर्ण रूप से फायदा करते हैं, और गुरु की ज़्यादातर सबसे अच्छी बनती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समझे? ठीक है, तो गुरु से जो हमें फायदा होगा उसके बारे में हम बताते हैं। तो अभी जो इस समय अब हम देखते हैं, या केतु कहाँ विराजमान है? केतु आपके द्वितीय भाव पर विराजमान है, तो यहाँ पर हमें जो फायदा होगा गुरु का, वो कहीं ना कहीं हम फायदा केतु से ले लेंगे, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं सूर्य की और मंगल की। तो सूर्य हमारी कुंडली के हिसाब से कहाँ पर विराजमान है? हमारे तृतीय भाव पर विराजमान है। तृतीय भाव किसका होता है? तृतीय भाव जो हमारा होता है पराक्रम का होता है, परिश्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान है तुला राशि विराजमान है। तुला राशि का मतलब आप समझ सकते हैं जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहाँ पर क्या है, और सूर्य इस समय नीच के चल रहे हैं, तो सूर्य का नीच का होना क्या होगा?
कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो अननेसेसरी गलत दिशा में भी जा सकती है और व्यर्थ भी हो सकती है। तो और दूसरी बात, यहाँ पर चंद्रमा भी विराजमान है। चंद्रमा आपका मन होता है, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। तो चंद्रमा भी यह कहीं ना कहीं इसका जो वैसे सूर्य के मित्र हैं, सूर्य के साथ अगर हम इन्हें देखते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और मंगल और गुरु इनके अपने मित्रों में आते हैं, तो इसका हमें यहाँ वो नहीं है। लेकिन सूर्य जो इस समय अस्त चल रहे हैं, तो अस्त होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा काम होना है वो 50-50 हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो 100% की हमारी उम्मीद होती है वो 50 में चली जाती है। तो जो 50 में चली जाती है तो यहाँ पराक्रम परिश्रम तो आप करेंगे, पराक्रम तो महसूस करेंगे, लेकिन उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाने के लिए तो थोड़ा सा सूर्य का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेहनत आप करते रहें और मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जो बुध और शुक्र की युति बन रही है, तो यहाँ पर इनका होना ना अच्छों में है ना इसका बुरों में है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अभी सावधानी आपको थोड़ी सी बरतनी पड़ेगी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं अभी, क्यों ये भाव किसका होता है, यह आपकी ज़मीन का होता है, आपकी जायदाद का होता है, आपकी जितने भी कम्फर्ट्स लेवल की चीज़ें होती हैं सब हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। पत्नी का सुख भी हमें यहीं से प्राप्त होता है और माँ का सुख भी हमें यहीं से प्राप्त होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए शुक्र अभी आगे चले जाएंगे, आप शुक्र का गोचर हो जाएगा 7 नवंबर को। कहाँ पर आ जाएंगे, अपने धनु राशि में, इसमें आ जाएंगे धनु में, तो ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अभी इस समय परहेज करना है। किस बात का परहेज करना है, परहेज इस बात का करना है कि कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह, कोई भी इन्वेस्ट वगैरह अभी हमें आपको नहीं करना, ये थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष में फिर वही बात आई, कहीं ना कहीं गुरु की अपना गुरु विराजमान है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, गुरु की राशि विराजमान है तो संतान के लिए कोई हमें ऐसी दिक्कत नहीं है, भाग्य के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और बुद्धि के लिए भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस दिशा से देखते हैं तो गुरु यहाँ पर विराजमान है, तो गुरु की वजह से हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बच जाएंगे और गुरु के लिए हम कहीं ना कहीं ठीक रहेंगे। ठीक है, वैसे गुरु को 3 दृष्टि भी दी गई हैं, अगर तीनों दृष्टि को हम देखते हैं तो वो भी हम अभी आपको बता देते हैं कि कौन सी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी और इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो राशि आपकी विराजमान है, यहाँ पर राशि आपकी विराजमान मकर है, जिसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहाँ रोग ऋण और शत्रुओं का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी जो स्वामी है, आपके स्वामी इस समय नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा लेन देन पे हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसी 16 तारीख आएगी तो 16 तारीख के साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें लाइफ की बदल जाएंगी और जो हमारा तनाव चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं तनाव हमें मुक्ति प्रदान करेगा, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके मैरिज हाउस की। जो सप्तम भाव आपका है, सप्तम भाव में जो राशि विराजमान है वो शनि विराजमान है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कुंभ राशि विराजमान है। ठीक है, तो यहाँ भी शनि के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो शनि न्याय और कर्म के हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने जो लव अफेयर्स वगैरह हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा होकर चलेंगे तो लाइफ आपकी सही रहेगी, नहीं तो कम्फर्ट्स लेवल में दिक्कत आएंगी और चोरी आपकी जो भी करेंगे आप वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे जाएगी। बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। राहु विराजमान है, तो राहु का यह विराजमान होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारा जो मन है वो विचलित है, कहीं ना कहीं अपना मन भटक रहा है, हम अननेसेसरी वाद विवाद भी कर रहे हैं। वाद विवाद का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, अननेसेसरी हम बेमतलब की बहस करना और गलत चीज़ों पे अपना दिमाग लगाना, तो वे सब चीज़ें हमारे लिए क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव कर रही हैं। तो राहु के प्रकोप से बचने के लिए शिव की उपासना करें, क्योंकि अगर इनकी शिव की उपासना करेंगे तो कहीं ना कहीं इनसे केतु से और राहु से दोनों से फ़ायदा ले लेंगे। और जो मंगल हमारे इसके मित्र भी हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, तो मंगल की उपासना भी हमें करनी पड़ेगी, मंगल की उपासना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने नवम भाव की। जो हमारे भाग्य का और हमारे धर्म का भाव है, यहाँ पर जो विराजमान है आपके मेष राशि विराजमान है और इनके हिसाब से देखते हैं तो ये इनके मित्र है, लेकिन मंगल इस समय अभी आपके क्या चल रहे हैं, मंगल अभी हमने आपको बताया, मंगल कहीं ना कहीं अभी नीच के चल रहे हैं,
तो मंगल नीच का होना कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमें फायदा प्राप्त होता नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी अपने धर्म के नाम पर जो भी आप कर सकते हैं, आस्था के नाम पर, जिस देवी देवता के नाम पर, जो भी अपने आपके देवी देवता हैं, जो भी आपके हुए हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उन्हें अपना पूज के अगर थोड़ा सा भी सही चलेंगे और सही चलेंगे तो आपकी योजनाएँ सफल होना शुरू हो जाएंगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके कैरियर भाव की। कैरियर भाव में जो आपकी राशि विराजमान है, आपकी गुरु विराजमान है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और कैरियर भाव आपका बहुत अपना मेन भाव है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो इस समय अगर आप कोई भी बच्चा अपना जो प्रयास कर रहा है नौकरी वगैरह किसी भी चीज़ के लिए, तो वे सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसके रोजगार में, इसमें सब चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो नुकसान सिर्फ दिखाई देता है मंगल का और आपका सूर्य का नीच होना, बस यही थोड़ा सा हमें दिक्कत देता है। तो इसका हमें उपाय के तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस में जो आपकी राशि विराजमान है, राशि विराजमान कौन सी है आपकी समझ सकते हैं, आपकी मिथुन राशि विराजमान है। मिथुन यानी यहाँ पर जो आपके लाभ, इच्छा और आय का जो भाव है उसमें मिथुन आपके यानी बुध को आप समझ सकते हैं। बुध आपके ना इस समय बुरे में है ना अच्छे में है, बस ठीक है। तो बुध से आप फायदा, बस ठीक है, जैसा चलेगा चलता रहेगा वही है। हमारा तो आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी करें अभी 16 तारीख के बाद ही प्रयास करें, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। मंगल फिर आपके आगे द्वादश भाव में मंगल का होना और वो भी नीच का होना आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे वाद विवाद का, हमारे आपका समझ सकते हैं आपका दान का, पुण्य का, ये सब चीज़ों का भाव होता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ कोर्ट भी आती है, यहाँ कचहरी भी आती हैं, तो क्या हुआ मंगल कहीं ना कहीं अननेसेसरी हमारे इस समय नीच के हैं ही, और मंगल कहीं ना कहीं विवाद का कारण भी बन सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम बरतेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं नुकसान से बच जाएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और अगर पूर्ण रूप से फ़ायदा चाहते हैं तो गुरु को और मंगल को साध के चलना पड़ेगा। गुरु और मंगल की साधना अगर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सही रहेंगे और अच्छे रहेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मंगल के लिए ज़्यादा कोशिश करें कि मंगल का दान करें, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आपका कोशिश करें कि लाल वस्त्रों का जो भी आप दान करते हैं, लाल चीज़ों का जो भी दान करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रूप में कहीं ना कहीं अच्छी रहेंगी और ठीक रहेंगी। किसी भी गरीब को अगर कहीं भी उसकी मदद करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा व्यय का, हमारे खर्चों का भाव है, व्यय का मतलब अगर इस भाव से आप पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उचित फल चाहते हैं तो जो आपका खर्चा है वो सही दिशा में करें। सही दिशा में अगर खर्चा करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको पूर्ण रूप से होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आपने जो मेन चीज़ क्या है, अपने गुरु को थोड़ा सा संभाल के चले, गुरु की दृष्टि जो भी है, गुरु की दृष्टियों का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं, गुरु को अपने सही हिसाब से चलाएंगे तो सारी चीज़, ना धन की कमी होगी, ना संतान में वैसी कमी होगी, ना आपके परिवार में कमी होगी, ये सारी चीज़ जो आपके कुटुंब में ना कमी होगी, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं गुरु साथ देंगे और सारी चीज़ आपके फेवर में कर देंगे। तो अभी हमने आपको जो बताया, कोशिश करें अगर गुरु के रूप में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि मस्तक पर आप ना केसर का तिलक लगाएं, अपना जीभ पर भी लगाएं, वाणी मतलब अपनी जीभ पर भी लगाएं, कंठ पर भी लगाएं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा और उत्तम रहेगा। और उपाय के तौर पर मंगल का दान अगर आप करते रहेंगे लाल चीज़ होगा तो वो आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा होगा, ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन भी दबा दें जिससे आपका नोटिफिकेशन सीधा चला जाए। और आपके जो स्वामी हैं, आपके स्वामी सूर्यदेव हैं, और कोशिश करें सूर्यदेव को मनाने के लिए आप उन्हें अर्घ देने का कार्य करते रहेंगे। अगर सुबह उठकर अगर आप उन्हें अर्घ देने का कार्य करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में प्रकाश ना आए या आपका जीवन प्रकाशमय ना हो। अगर पूर्ण रूप से इसकी अपना लालिमा चाहते हैं तो सुबह उठकर ये कार्य जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।